नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ सिद्रा। आज हम बनाना सीखेंगे मजेदार नमकीन दलिया। इसको बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की जरूरत है उनमें शामिल हैं चिकन एक पाव, दलिया एक पाव, मूंग की दाल आधा पाव, चने की दाल आधा पाव, प्याज दरमियाने 2 अदद, हरी मिर्ची 3 अदद, पुदीना 1 गड्डी, लीमू 2 अदद, ऑयल 4 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, लहसुन 2 जवे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद। तरकीब। सबसे पहले चने की दाल और मूंग की दाल को अच्छी तरह पानी से धो लें और इसे 15 से 20 मिनट तक सोक कर लें। अब इसका पानी निकाल कर इसे अच्छी तरह धोकर एक पतीले में डाल लें। अब दालों के साथ ही 10 से 12 गिलास पानी शामिल करें। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्च, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे गलने तक पका लें। अब इसमें दलिया डालकर इसे घुलने तक पका लें और साथ ही हसबे जायका नमक शामिल कर दें। अब एक और पैन ले लें, इसमें 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करें और इसे गर्म कर लें। फिर इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह ब्राउन कर लें। इसके साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 20 से 30 सेकंड तक सौते कर लें। अब इसमें धुली हुई चिकन को शामिल कर दें और इसके साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी और नमक हसबे ज़रूरत शामिल करें और चिकन को अच्छी तरह भून लें और इसे गलने तक पकाएं। अब चिकन को ठंडा करके इसके हाथ से रेशे कर लें। अब श्रेडेड चिकन को दलिये के अमेजे में शामिल कर दें और इन तमाम अशिया को अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पका लें। फिर इसे घोटे से अच्छी तरह घोट लें। अब एक फ्राइंग पैन ले लें, इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर इसे गर्म कर लें। फिर इसमें 2 साबुत लाल मिर्च, 2 जवे लहसुन के, 1 खाने का चम्मच जीरा, कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद और 1 बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करके इसका अच्छा सा भगार तैयार कर लें। अब पकने वाले दलिये के अमेजे में भगार लगाएं और इसे 2 से 3 मिनट दम दे दें। अब तैयारशुदा दलिये को एक डिश में निकाल लें। इसे पुदीने, नींबू और चाट मसाले के साथ सर्व करें। मजेदार दलिया तैयार है, आप इसे सर्व करें और लुत्फ उठाएं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।